ऑलराइट, तो आज हम बात करेंगे लॉ करने के फायदे, यानी कि अगर आप ये लॉ का कोर्स करते हो तो उसके आपको क्या क्या फायदे होंगे लाइफ में, लाइफ टाइम तक. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन और टू ईयर और इंस्टेंटली बेनिफिट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ टाइम, यानी कि आपको हमेशा लाइफ भर होने वाले हैं और ऐसी प्रिविलेज जो किसी और के पास नहीं है, जो आपके पास रहती है हमेशा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. इंट्रो. तो पॉइंट वाइज पॉइंट हम डिटेल में बात करेंगे. ओके, बिल्कुल पॉइंट वाइज पॉइंट स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक 360 डिग्री कवर करेंगे, यानी कि हर चीज आपको ब्रॉड लेवल पे और नैरो लेवल पे सब पता चल जाएगी. तो सबसे पहला बेनिफिट है स्टेटस, यानी कि आपको एडवोकेट का एक नाम मिलता है. एडवोकेट, यस एडवोकेट. अब इसका फ़ायदा क्या है, कभी आप कहीं जाते हो तो आप वहाँ पे साइन कर सकते हो, यानी अपना नाम के आगे ADV लिख के अपना नाम लिख सकते हो, ये आपको बेनिफिट होगा. ओके, आप अपना गाड़ी का स्टिकर लगवा सकते हो अपनी व्हीकल पे, एडवोकेट नाम का अपने घर के बाहर वो लगवा सकते हो, और जो भी आपका व्हीकल है वहाँ भी आप लगवा सकते हो, यानी कि आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, यू आर एन एडवोकेट. ओके, नेक्स्ट पढ़ने का तरीका और जो सिलेबस होता है वो काफ़ी इंटरेस्ट होता है, यानी कि सारी चीज़ प्रैक्टिकल होती है, बिल्कुल प्रैक्टिकल. IPC, CRPC, बिल्कुल प्रैक्टिकल. आपने पढ़े होंगे बचपन में थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, वो लाइफ में कहीं काम नहीं आते. ओके, मैंने आज से 7 साल पहले पढ़े थे, मेरे को कुछ काम नहीं आया भाई, कुछ काम, नथिंग. होता है ना कि भाई एक लाइन भी खींच दूँ मैं उनको पढ़ के, कुछ नहीं हुआ उनसे, कुछ भी. इससे अच्छा आप लॉ पढ़ो, अगर आप भटकती आत्मा हो, यानी कि आपने 12वीं की है और आप सोचते हो भाई क्या करें क्या करें, तो आपके पास लॉ एक अच्छा ऑप्शन है. ओके, अच्छा ऑप्शन इसलिए कि आपको इससे सोसाइटी की नॉलेज मिलती है, यानी आप एक लॉ का कोर्स करके दुनिया को ज्ञान दे सकते हो. लेकिन सपोज आपने इंजीनियरिंग की है, अब आप किसी को थोड़ी बताओगे, और कौन पूछता है इंजीनियरिंग को, मान के चलो. सपोज आप एक सोसाइटी में बैठे हो, अब आप उनको थोड़ी बताओगे कि भाई ट्रेन ऐसे बनती है, ठीक है, कि ऐसे ड्राफ्टिंग होती है, कंप्यूटर में ये लगता है वो लगता है. ओके, वो क्या पूछते हैं कि भाई ये क्राइम हो गया तो ऐसे में क्या हो सकता है, भाई फलाने का चोरी हो गया, फलाने की वो भाग गई, क्राइम हो गया, इसमें कैसे वो मिलती है, बेल कैसे मिलती है, यानी कि आप उनको गाइडेंस कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट आता है कि अगर आप अखबार पढ़ते हो, यानी कि आपका अखबार पढ़ के ही आधा सिलेबस कवर हो जाता है लॉ का. अगर आप लॉ कर रहे हो और आप अखबार पढ़ते हो ना, तो आपको बहुत बेनिफिट होता है, लाइक अदर स्टूडेंट्स, यानी और स्टूडेंट्स को हो ना हो आपको जरूर होता है, क्योंकि उनका फील्ड अलग होता है. सपोज कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको अखबार से क्या लेना है यार, अर्गेटिंग. लेकिन अगर आप लॉ कर रहे हो, आपका आधा सिलेबस अखबार है, अर्गेटिक, उसमें सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा, यानी कि आपको लाइव एग्जांपल मिलेंगे, कैसे मर्डर होता है, कैसे कौन सी धारा लगती है, सारा कुछ आपको उसमें पता चल जाएगा. ओके, तो अगर आप थीटे साइन वाइन सबसे परेशान हो तो आप लॉ करो. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारे पास स्कोप क्या क्या है. तो देखो, स्कोप आपके पास एक प्रिविलेज है, मैं आपको एक प्रिविलेज बताना चाहूँगा. सपोज एक पर्सन है, उसने ग्रेजुएशन की है, यानी उसने BA की है मान के चलो, और एक पर्सन है उसने लॉ की है, उसने लॉ करी है, यानी अपनी वकालत पूरी कर ली है, ठीक है. अब जो BA का पर्सन है ना, वो बस गवर्नमेंट के वो एग्ज़ाम दे सकता है, यानी कि नॉर्मल वाले, यानी क्लर्क हो गया, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा UPSC लगा लो मान के चलो, ज़्यादा से ज़्यादा UPSC लगा लो. लेकिन एक लॉ का स्टूडेंट होगा ना, वो अपनी जुडिशरी का एग्ज़ाम भी दे सकता है, यानी कि वो जज भी बन सकता है. ओके, लेकिन एक नॉर्मल बंदा जो BA किया है या फिर उसने कोई भी कोर्स किया है, वो जज नहीं बन सकता. आर यू गेटिंग? तो आप जज भी बन सकते हो और आप नॉर्मल एग्जाम में अपीयर भी हो सकते हो, फिर वो क्लर्क का हो या UPSC का हो. ओके, और आपके पास एक प्रिविलेज होती है कि आप जुडिशरी एग्जाम में भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आप जज भी बन सकते हो. अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बनेंगे हम, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, ठीक है, तो वो नॉर्मल बंदे होते हैं. सपोज आप एक लॉ स्टूडेंट हो ना, तो सपोज आप एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं बन पाए, तो आपके पास ऑप्शन है, आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बन सकते हो. आर यू गेटिंग? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी कि आप जज बन सकते हो. और लोग कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ज़्यादा होता है वो होता है, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है. मैंने मतलब जो DM होते हैं, SP होते हैं, इनको कोर्ट में पेशी पे देखा है, ये आते हैं, ये पेशी देते हैं अपनी, ये कोर्ट से छोटे ही होते हैं वैसे, बस इनके पास पावर होती है कि एग्जीक्यूटिव की पावर होती है. लेकिन जो मोस्ट पावरफुल है वो जुडिशरी है हमारे इंडिया में. आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट. ओके, एग्जाम्पल लेके चलें सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट क्या है, बाप है वो, यानी कि सबका बाप है. उसने कोई डिसीजन दे दिया तो दे दिया, तो वो जुडिशरी है ना, वहाँ थोड़ी कोई एग्जीक्यूटिव बैठा है. अरे गेटिंग? तो आप देख सकते हो जुडिशरी की पावर.
तो वो जुडिशरी की पावर वो यहीं से निकल के जाती है, लॉ के बच्चों से, लॉ के स्टूडेंट से। जब आप लॉ करोगे तभी तो आप वहाँ तक पहुँचोगे। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको दूसरों से कैसे अलग करती है। ओके, अब बात करते हैं प्रोफेशन की। तो देखो, बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, आपको भी पता है। और इस प्रोफेशन में जितनी ज़्यादा एज होगी ना आपकी, सपोज आप जितनी ज़्यादा एज होगी उतना ही आपको फ़ायदा है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि भाई जितना बूढ़ा होगा उसको इतना ही एक्सपीरियंस होगा। अब कोई जवान को तो केस देता नहीं इतनी जल्दी, अरेटिंग। तो क्या होता है, जितना बूढ़ा होगा, जितनी एज होगी उसको इतने ज़्यादा केस मिलने के चांस होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जवानों को बिल्कुल नहीं मिलते या फिर वगैरह वगैरह, तो उसको भी मिलते हैं, लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उनको ज़्यादा मिलते हैं। और ये आप ऐसा प्रोफेशन है इसमें आप कभी रिटायर नहीं हो सकते, यानी कि आप 60-80 जितनी आपकी एज आप कर सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ओके, नेक्स्ट आ गया अर्निंग। अर्निंग तो भाई देखो, आप पूछो ना, अगर आप ढंग से कमाते हो ना तो जजों से ज़्यादा ना वकील कमा लेते हैं। तभी आपने देखा होगा कि लोग वकील में ही घुसते हैं, जज वो बनते ही नहीं, क्यों, उन्हें पता है यार वहाँ 100 पचड़े की यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपनी सैलरी दिखानी पड़ती है, अभी इतनी सैलरी है। वकीलों में क्या है, आप अनलिमिटेड अर्न कर सकते हो, अनलिमिटेड। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार हमें प्रैक्टिस नहीं करनी, मान के चलो। अब कुछ लोगों ने लॉ कर लिया, वो कहते हैं यार हमें प्रैक्टिस नहीं करनी। तो देखो, आपके पास जुडिशरी एग्जाम है, अगर आपको जुडिशरी एग्जाम देना है तो आप उसके लिए प्रिपेयर करो। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी लेकिन फिर भी आपको चाह रहे हैं कि भाई मैं मेरा रुतबा बना रहे या फिर, तो आप लीगल ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन एडवाइस दे सकते हो, अपना वो यूट्यूब चैनल बना के या ब्लॉग बना के या कहीं भी आप कर सकते हो ये सब काम, ठीक है। तो उसमें आपको नेम भी होगा, फेम भी होगा, सब कुछ होगा, बिना कोर्ट जाए। ओके, तो वहाँ आपके लिए नॉलेज मैटर करती है, आपको नॉलेज हो तो आप कहीं भी जाके बोल सकते हो और आप वो कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट फायदा आता है, सपोज आप एक एडवोकेट हो यानी कि एक लॉ स्टूडेंट हो, लॉ स्टूडेंट करके आप एक एडवोकेट बन जाते हो। ओके, तो आपको काफ़ी हेल्प होती है अपनी फैमिली में भी, यानी कि आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो। सपोज आपकी कोई सिस्टर है, उसकी मैरिज हुई है, ओके, और उसके ससुराल वालों को पता चलता है कि आप एडवोकेट हो, तो चांसेस काफ़ी हो जाते हैं कि वो आपकी सिस्टर को थोड़ा ठीक रखेंगे एज कम्पेयर टू अदर्स। जैसे कि होता ना, मारपीट हो गई तो उन्हें पता होगा कि भाई वकील है तो कुछ कर सकता है, यानी कि कुछ भी कर सकता है। ओके, सिमिलरली आपके लिए भी हो गया, सपोज आप एक एडवोकेट हो, ओके, अगर आपकी वाइफ आती है तो वाइफ को पता होता है कि भाई मेरा जो हस्बैंड है वो एडवोकेट है, तो उसकी जो फैमिली उसको भी पता होता है कि भाई एडवोकेट है, तो वो थोड़ी खुद ही झुक के रहती है एडवोकेटिंग। अब ऐसा नहीं हर बार ऐसा ही होता है, मैं रेयर केस की बात कर रहा हूँ। ओके, यानी कि हम जनरल की बात कर रहा हूँ, रेयर केसों में ऐसा अलग भी होता है, मैं आपको जनरल केस की बात बता रहा हूँ। तो वो थोड़ा एक रुतबा बना रहता है कि हाँ भाई एडवोकेट है, इसको कानून पता है और ये उसका गलत फ़ायदा भी उठा सकता है अपने आप को बचाने के लिए, तो इससे जितना बचा जाए बचे रहे। ओके, तो ये भी बेनिफिट मिलता है। रिलेशनशिप यानी सपोज आप एक लॉ स्टूडेंट हो या आपने लॉ की हुई है, तो आपसे अगर कोई रिलेशनशिप रखता है, यानी कि आपके अगर कोई आपके कोई लव करता है या लवर बनता है कोई भी, ओके, तो वहाँ चांसेस होते हैं कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि भाई आपने लॉ की हुई है, एक आप एडवोकेट इंसान हो यानी कि आप एक वकील हो, तो आपको पता है कि कैसे बचा जाएगा। और मोस्टली केसों में देखा गया है कि जो अलग होती है ना, जो लड़कियाँ होती हैं वो एडवोकेटों से थोड़ी कम ही अट्रैक्ट रहती हैं, यानी कि थोड़ी दूरी बनाए रखती है कि इसको नॉलेज है, इसको ये पता है, कल को ये ना कर दे, आर गेटिंग एज कम्पेयर टू अदर्स। आपने देखा होगा नॉर्मली इंसान पे जल्दी से रेप केस हो जाता है या फिर छेड़छाड़ का लग जाता है, लेकिन एक अगर एडवोकेट होगा उस पर बहुत रेयर केस है कि उस पर केस लग जाए, क्योंकि महिला को भी पता है कि एक एडवोकेट है और एडवोकेट को भी पता है कि मैं एक एडवोकेट हूँ और कैसे उसको बचना है, आर गेटिंग। तो ये थे कुछ फ़ायदे। ओके, तो अब क्या क्या आपके पास कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो देखो दो तरह के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं हमारे पास। एक होता है 12वीं के बाद यानी 12th के बाद, आफ्टर 12th, एक होता है ग्रेजुएशन के बाद। जो 12th के बाद होता है वो होता है 5 years का, यानी 5 to 6 years आपके वहाँ पे लगाने पड़ते हैं। फिर आता है ग्रेजुएशन लेवल पे, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है कोई भी तो उसके बाद करोगे तो आप 3 years। ओके, अभी जरूरी नहीं है आप रेगुलर जाओ या फिर कुछ भी, तो ये स्टडी ऐसी है आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हो, इसमें कोई मैथ्स नहीं है, आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं आएगा भाई इंटीग्रेशन कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया, इसका ये निकालो ये निकालो। अब आपको नॉर्मली बुक्स पढ़नी है, अखबार पढ़ना है, सब क्लियर हो जाता है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट होती है तो उसके लिए हमारे पास लीगल सर्विस है, हमारे पास डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारी सर्विसेज चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ओके,